चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। तो अभी आपको पार्ट्स ऑफ माय बॉडी के बारे में अगले में बताया गया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी फिंगर्स, लेग्स, नोज़, लिप, नेक, फॉरहेड यानी उंगलियां, पैर, नाक, गाल, होंठ, गर्दन, माथा, हाथ, आँख, घुटने और पैर, टखने, थोड़ी और जीभ, ये शरीर के विभिन्न अंग हैं और शरीर के विभिन्न अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपको पार्ट पढ़ाया गया था जिसमें यूज ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स यानी हमारे शरीर के अंगों का उपयोग, जिसमें आपको हैंड्स के बारे में बताया गया था। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दें। यूज ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, आवर बॉडी पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आवर बॉडी पार्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस माने हमारे शरीर के अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, अस माने हमारे लिए। दे हेल्प यूज इन मेनी वे, दे हेल्प अस इन मेनी वे, वे हमारी कई तरह से सहायता करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन यानी हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हाथ है, हाथ का कार्य अलग है, आँख है उसका कार्य अलग है, मुंह है उसका कार्य अलग है। तो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वे अलग अलग कार्य करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले हैंड्स, वी हैव टू हैंड्स माने हमारे दो हाथ हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू राइट, ड्रॉ एंड होल्ड मानी वी यूज आवर हैंड्स माने हम अपने हाथों का उपयोग राइट यानी लिखने, तो हम अपने हाथों का उपयोग ग्लास, स्कूल बैग, किताब आदि जैसी वस्तुओं को लिखने, खींचने और रखने के लिए करते हैं। उसी तरह से दूसरा है लेग्स, वी हैव टू लेग्स यानी हमारे पास दो पैर हैं यानी हमारे दो पैर हैं। वी यूज आवर लेग्स टू स्टैंड, वॉक, रन, जंप एंड किक ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल्स यानी कराए कि वी हैव टू लेग्स हमारे दो पैर हैं। वी यूज आवर लेग्स हम अपने पैरों को खड़े होने, चलने, दौड़ने, जंप करने और गेंदों की तरह किक करने में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर ईयर्स है कान, वी हैव टू ईयर्स हमारे दो कान हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड यानी कान से लगा हुआ कान हमें आवाज़ सुनने में सहायता करते हैं यानी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू लिस्टन टू म्यूजिक, दे हेल्प अस टू लिस्टन टू म्यूजिक वे हमें संगीत सुनने में भी मदद करते हैं। आइज यानी आंखें, वी हैव टू आइज हमारी दो आंखें हैं। आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस यानी आइज हेल्प अस टू सी आंखें हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको देखने में हमारी मदद करती हैं। वी कैन सी माने हम नेचुरल विथ आवर आइज नेचुरल का सुझाव प्रकृति यानी हम प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। उसके बाद नोज, वी हैव वन नोज हमारे वन है वी हैव वन नोज माने हमारी एक नाक है। नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स नाक से हम चीज़ों को सुनते हैं। वी कैन स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी हम अपने नाक से विभिन्न प्रकार की गंधों का अनुभव करते हैं माने गंधों को सुन सकते हैं। तो इसके बाद आपका है टंग यानी जीभ, वी हैव वन टंग हमारी एक जीभ है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स यानी हमारी जीभ विभिन्न खाद्य पदार्थों को स्वाद लेने में सहायता करती है। इट हेल्प्स अस इन टेस्टिंग फूड, इट हेल्प्स अस टू नो इफ ए थिंग्स इज स्वीट सोर आर यानी समझ आ रहा हुआ जीभ है तो जीभ से हमको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है यानी
कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है। तो इसका अनुभव आप स्वतः समझते होंगे, किसी चीज़ को खाते हैं तो खाते समय आप देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये बहुत कड़वा लग रहा है या मीठा है या खट्टा है। तो इन सब चीज़ों का जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा होता है, मालूम है, जीभ के द्वारा। तो इस तरह से आप जैसे को ध्यान देंगे और उसके बाद फिर अगले टर्न पर आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। थैंक यू।